गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक इज अकबर पॉलिसी ऑन रिलीजन। अकबर पॉलिसी ऑन रिलीजन। डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट थ्रू आउट हिज रूल अकबर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। मीन्स रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब होता है धार्मिक उदार। एक तरह से किसी भी धर्म को ना तो वो बहुत ज़्यादा महत्व दिया और ना ही किसी एक धर्म को मानने के लिए किसी को फोर्स किया। मतलब ही एक वो कह सकते हैं कि रिलीजियस टॉलरेंस था, वो सभी धर्मों को समान मानता था। सो ही वॉज ऑल्सो नोन एज द रिलीजियस टॉलरेंस वंस ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाई अकबर टू इस्टेब्लिश इक्वलिटी वॉज द रिमूवल ऑफ द जजिया। जजिया क्या था? जजिया एक तरह का टैक्स था। शासन व्यवस्था में इक्वलिटी लाने के लिए अकबर ने इस जजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम के ऊपर लगाया जाता था, इसको उसने रिमूव कर दिया। अ टैक्स नॉन मुस्लिम हैड टू पे, जो नॉन मुस्लिम खास करके हिंदू इसको पे करते थे जजिया टैक्स। ही आल्सो रिमूव्ड द पिलग्रिम टैक्स विच हिंदू ग्रुप पेड व्हेन दे वेंट ऑन पिलग्रिमेज। ओके, पिलग्रिम टैक्स जो नॉन मुस्लिम देते थे, मीन्स हिंदुओं के ऊपर लगाया जाता था जब वो कहीं किसी तीर्थ यात्रा पर जाते थे, इसको भी उसने रिमूव कर दिया। सो दिस टॉलरेंस टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम्स वाज रिफ्लेक्टेड इन ऑल स्पेयर्स ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। इस तरह के धार्मिक उदारता की वजह से अकबर और उसके पॉलिसी की वजह से जो नॉन मुस्लिम लोग थे उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से काफ़ी खुश थे और उसको सपोर्ट भी करते थे। देन आफ्टर द इबादत खाना, फर्स्ट पॉइंट हेयर रिलीजियस पॉलिसी में क्या कह सकते हैं, अकबर वॉज ए रिलीजियस टॉलरेंस, ही गिव द रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स, ही ऑल्सो रिमूव द जजिया टैक्स, ही ऑल्सो रिमूव द पिलग्रिम टैक्स, एंड देन आफ्टर ऑल अकबर इस्टेब्लिश द इबादत खाना। इन 1575 CE अकबर ओपन द इबादत खाना और हाउस ऑफ वर्शिप एट हिज न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना को अकबर ने 1575 में ओपन किया, जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ वर्शिप एट हिज न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी। ओके, आफ्टर दैट इन दिस इबादत खाना सो मेनी रिलीजियस टीचर स्कॉलर दे ऑल आर कम इन टू द इबादत खाना एंड टू द डिस्कशन एंड डिबेट ऑन द डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स। ओके, सो दिस इज द नो डाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल ही रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, सेकेंड दिस इज द क्वालिटी, ही नेवर फोर्स टू एनी वन टू ज्वाइन इबादत खाना, ईच एंड एवरी स्कॉलर्स एंड द रिलीजियस टीचर्स कम इन टू द इबादत खाना एंड डू द बेस्ट नॉलेज ऑफ देयर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स। आफ्टर दैट दीन ए इलाही, दीन अ इलाही। अराउंड 1582 CE अकबर फाउंडेड अ न्यू रिलीजन्स कॉल दीन ए इलाही। एक नए धर्म की उसने शुरुआत किया था जिसका नाम है दीन इलाही, जिसका मतलब होता है डिवाइन फेथ। डिवाइन फेथ, दीन इलाही मीन्स डिवाइन फेथ, मीन्स बेस्ड ऑन द टीचिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑल मेजर रिलीजन्स, जो सभी धर्मों के मेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड था, जिसको हम दीन इलाही बोलते हैं। ही वॉज इंस्पायर्ड बाई द सूफी आइडियाज सुलह एकुल। ही वॉज इंस्पायर्ड बाई द सूफी आइडियाज ऑफ सुलह एकुल, मीनिंग पीस टू ऑल, पीस टू ऑल। सुलह एक कुल से काफ़ी अकबर प्रभावित था, ये सूफी धर्म था। सूफी धर्म क्या, एक तरह से ये एक आइडिया था सुलह एक कुल, जिसका मतलब था पीस टू ऑल, सभी धर्मों में शांति और सभी धर्मों को समानता। ही स्ट्रेस अपॉन द इम्पोर्टेंट ऑफ कीपिंग फेथ इन वन गॉड एंड रिकोगनाइज द एम्परर एज हिज रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। ही स्ट्रेस्ड अपॉन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कीपिंग फेथ इन वन गॉड एंड रिकोगनाइज द एम्परर एज हिज रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। यस, दिस इज द थॉट एंड बिलीव ऑफ अकबर। ही बिलीव इन वन गॉड, ही फेथ इन वन गॉड एंड रिकोगनाइज द एम्परर एज हिज रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। जिसको मानना था, उसका मानना क्या था कि सभी धर्म एक हैं और सभी धर्मों को मानने वाले लोग एक ही गॉड की संतान हैं, इसलिए हम सभी का एक गॉड है, वन गॉड एंड रिकॉग्नाइज द एम्परर एज इज रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। और उसके हम सभी उन्हें मिलकर अलग अलग तरह से रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसको हम शासक या एम्परर कह सकते हैं।
ओके, अकबर डिड नॉट फोर्स टू पीपल ज्वाइन द न्यू फेथ। अकबर कभी किसी को, जैसा कि मैंने बताया, ही नेवर फोर्स टू एनी वन टू ज्वाइन द न्यू फेथ। ऑल दोज दिस न्यू बिलीव्स मेड हिम अनपॉपुलर विद द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम जो थे, जो कट्टर मुस्लिम थे, जो केवल मुस्लिम धर्म में ही बिलीव करते थे, वो इसको नहीं मानना चाहते थे। अकबर के जो न्यू आइडियाज़ थे धर्म के प्रति, उसको विश्वास नहीं करते थे। बट अकबर कंटिन्यू टू प्रैक्टिसाइज इट थ्रू आउट हिज लाइफ। हाउएवर दीन इलाही डिड नॉट बिकम वेरी पॉपुलर आउटसाइड कोर्ट सर्किल। चूँकि अकबर का दीन इलाही जो स्टार्टिंग हुआ था धर्म, किसी और जगह कोर्ट के अलावा बाहरी दुनिया में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं हुआ, लेकिन दीन इलाही काफ़ी प्रचलित था अकबर के दरबार में। इवन दोज अकबर हिमसेल्फ वॉज अनस्कूल्ड, काफ़ी पढ़ा लिखा तो नहीं था, ही ग्रेटली वैल्यूएट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन, लेकिन वो एजुकेशन और उसको जानने वाले को काफ़ी महत्व देता था। ही दस गैदर्ड अराउंड हिम अ नंबर ऑफ ब्रिलियंट स्कॉलर्स आर्टिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर। यू विल लर्न मोर अबाउट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन चैप्टर नंबर 11। ओके, हियर द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन रिटन कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसको स्कूली शिक्षा बहुत अच्छी नहीं मिली थी, लेकिन उस सभी धर्मों को और सभी धर्मों के स्कॉलर्स, आर्टिस्ट और जो भी ब्रिलियंट लोग थे उनको काफ़ी सम्मान देता था। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू सी अबाउट दैट द religious policy of Akbar, then we can see that Akbar was the religious tolerance, he respect to all the religion, he believe in one God, and he also give the respect to the brilliant scholar, artisan and other persons, those who are know about the religion. Thank you. Tomorrow study we all discuss about that what was the other features in the administrations of Akbar. Just administrative system, dashala system and mansabdari system. But many of the students are again send me question and again ask me, sir, one time again explain about that mansabdari system. Actually mansabdari means, mansab means hota hai rank or position. Mansab means rank or position. Akbar recognized the civil and military structure of his empire by using the mansabdari system. अपने शासन व्यवस्था और अपने मिलिट्री और सिविल सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था अपने राज्य में, अपने कोर्ट में. मनसब मीन्स रैंक और पोजिशन, मीन्स सो अकॉर्डिंग टू द होल्डर ऑफ रैंक ऑफ मनसबदार मेंटेन अ आर्मी. जो भी मनसबदार का पोस्ट होल्ड करता था या जिसको मनसबदार अकबर बनाता था, उनको एक आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी. ऑल ऑफिसर्स इन अकबर एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट वेदर सिविल और मिलिट्री हैड अ रैंक. जो भी सिविल ऑफिसर्स थे या जो भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उनको एक रैंक दिया गया था और उसी रैंक के अकॉर्डिंग हाई रैंक या लो रैंक या मिडिल रैंक के मनसबदार होते थे. हाई रैंक के जो मनसबदार होते थे उनके पास ज़्यादा आर्मी होती थी, ज़्यादा उनका पावरफुल होता था. उसके सर्विस के बदले में अकबर उन्हें जागीर और लैंड देता था. जो लो रैंक के मनसबदार होते थे उनके पास कम आर्मी होती थी, कम हॉर्सेज होते थे, उनके पावर और उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग उनको जागीर और लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. नॉर्मली द लोएस्ट रैंक इन दिस स्ट्रक्चर वॉज 10. जो सबसे लोएस्ट रैंक होता था मनसबदारी का, उसमें नंबर ऑफ सोल्जर्स 10 होते थे, वाइल द हाइएस्ट कुड गो अप 2000. लगभग जो हाईएस्ट रैंक होता था मनसबदार का, उसमें 2000 उससे ज़्यादा सैनिक होते थे. इनका काम क्या था कि जब कभी सिविल और मिलिट्री सर्विसेज या कभी कोई अकबर को ज़रूरत पड़ती थी तो ये लोग अपने सर्विस देते थे. किसको? अकबर को. द रैंक आल्सो डिनोटेड द नंबर ऑफ हॉर्सेस. यस, हर एक मनसबदार का जो रैंक डिनोट होता था उनके घोड़ों से भी होता था, हॉर्सेस से, एंड सोल्जर्स उनके सोल्जर्स से होता था. इट सच ऑफिसर्स और मनसबदार वाज सपोज टू मेंटेन अंडर हिम. सारा कुछ मनसबदार के अंडर मेंटेन होता था. फॉर द सर्विस ऑफ द एम्पायर, जब कभी भी कोई सर्विसेज एम्पायर के लिए, राजा के लिए देना होता था तो ये अपने आर्मी और अपने घोड़ों के लेकर राजा की सेवा में आते थे. इट वॉज एन एफिशियंट सिस्टम एज इट केप्ट अवे करप्शन एंड इंश्योर्ड मिलिट्री सिक्योरिटी. इस सिस्टम के आने से जो करप्शन था, एक तरह से कह सकते हैं, चाहे वो सिविल हो चाहे वो मिलिट्री हो, उसमें करप्शन को रोकने के लिए ये काफ़ी पर्याप्त रहा और मिलिट्री सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी मानी गई. तो ये था मनसबदारी सिस्टम. एक्चुअली मनसबदारी सिस्टम इज इंट्रोड्यूस बाई अकबर, वॉज इंट्रोड्यूस बाई अकबर. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम
द मनसब, मनसबदार मीन्स रैंक और पोजिशन, द मनसबदार मेंटेन द आर्मी एंड वेन एवर द एम्परर कॉल देम दे गिव देयर सर्विस, एंड उसके बदले में उन्हें क्या मिलता था, जागीर और लैंड मिलता था। तो ये था आपका मनसबदारी सिस्टम। इफ यू नीड अदर डाउट एनी क्वारी देन यू अगेन सेंड मी मैसेज। थैंक यू।